नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 25 जुलाई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए संबंधित। जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारे आज का सेशन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक बार रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि ईपीएफओ और यूपीएससी का हमारा पेड ग्रुप चालू है, कंप्लीट पेड ग्रुप भी है और स्विफ्ट एससीएस का पेड ग्रुप भी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग 8564880530 9696060689 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक, हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम पे स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज, टेलीग्राम पे ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और आपका ओनली यूपीएससी आप लोग जो है टाइप करेंगे तो आपको ये सारे ही फ्री चैनल आपको मिल जाएंगे, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, देखिए आज के जो हमारे टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। ठीक, हनी मिशन प्रोग्राम, ये मिशन जो है हनी से संबंधित यानी शहद से संबंधित, इसमें थोड़ी जो स्कीम्स हैं थोड़ा कंफ्यूजन है, वो सारी चीजें इसमें हम लोग क्लियर करेंगे। अगला है इनलैंड वेसल बिल, ठीक, इसमें एक तो क्या चीजें हैं वो देखेंगे और एक वैल्यू एडिशन में करूंगा कि क्या चल रहा है चीजें, वाली भी चीज आपको बताऊंगा। कक्ष जो गुजरात में है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आपकी चिड़िया होती है, बर्ड होती है, उससे संबंधित कक्ष में क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या न्यूज में क्यों आया है देखेंगे। RBI बहुत 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 इंपॉर्टेंट, RBI टू इंट्रोड्यूस डिजिटल करेंसी, जैसे आपके पास नोट वोट होते हैं ना उसी तरीके से अब डिजिटल फॉर्मेट में आ जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी संबंधित मैंने आज आप लोग से क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक, पहला जो हमारा आज का टॉपिक है नॉर्ड स्ट्रीम 2, ये आपका GS पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन का हिस्सा है ये वाला टॉपिक। देखिए इसमें क्या है, ये नाम है पाइपलाइन का नॉर्ड स्ट्रीम और ये 2 है यानी कि पहले से भी है। अब हो क्या रहा है कि रशिया हो गया और रशिया के आपके जो है आपके रशिया के पश्चिम में वेस्ट में यूरोप हो गया, यूरोप को चाहिए ऊर्जा, ऊर्जा जो चाहिए कहाँ से, गैस से, और गैस की सप्लाई जो है वो रशिया आपके ऊपर डिपेंडेंट है यूरोप, ये बात ध्यान रखना। अब रशिया की बनती नहीं है यूएसए से, यूएसए और यूरोप की मिलके क्या है, एक अलायंस है जिसका नाम है नाटो। अब नाटो की वजह से क्या है कि यूएसए थोड़ा बहुत जो है इनके ऊपर प्रभाव डालता है, इन्फ्लुएंस करता है यूरोप को कि भैया रशिया के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट मत हो। ठीक, हमने कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं रशिया के, जो है कई सारे सैंक्शंस भी लगा रखे हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं कि रशिया को इकोनॉमिकली कमज़ोर किया जाए, लेकिन भैया गैस तो जो आपकी नेचुरल गैस है जिससे ऊर्जा बनानी है वो तो पैसों से या फिर उससे तो बन नहीं सकती भाई, जैसे अनाज है, अनाज किसी को आप ये कह दो कि यार देखो खाना आपको नहीं मिलेगा एक साल तक आपको जो है हम लाख रुपए जो है हर दिन देंगे तो क्या करेगा, झापड़ मारेगा खींच के, कहेगा यार कि मैं क्या पैसे खाऊंगा क्या। तो वैसे जो ऊर्जा है, गैस है, वो तो चाहिए ना, तो आप यूएसए चाहे जितना भी कर ले, या तो भाई कमर्शियली पॉसिबल तो यूएसए खुद गैस इतनी गैस प्रोवाइड कर नहीं पाएगा, तो रशिया के ऊपर डिपेंडेंस तो बनी ही रहेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है आपकी ये पाइपलाइन है जिसके जरिए रशिया जो है आपका जर्मनी में भेजता है गैस, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें। ठीक, अब देखो यूएसए का डबल गेम देखिएगा, यूएसए ने जर्मनी को जो है रोक दिया कि भैया तुम जो पहली वाली तो पाइपलाइन पूरी हो चुकी है, दूसरी वाली जो ये पाइपलाइन है इसके ऊपर इन्होंने रोकने की कोशिश करी जर्मनी को और ये 98% तक पूरी भी हो चुकी है, ये भी ध्यान रखना। तो लेकिन अब उनको पता है कि भैया बिना गैस के रहेंगे कैसे, तो अब यहाँ पे जर्मनी का रशिया के साथ में और यूएसए के उसमें एक एग्रीमेंट ये हो गया है कि जर्मनी ने कहा है कि हाँ ठीक है हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं गैस के लिए, हम रशिया को गैस लेंगे, लेकिन यूएसए महोदय कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो, अगर रशिया के पास अगर हम उनके ऊपर डिपेंडेंस हमारी बढ़ रही है, ठीक, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं तो इसका मिसयूज रशिया को नहीं करने देंगे, ये जर्मनी ने यूएसए से एग्रीमेंट कर लिया है। तो अब इसके लिए उन्होंने कह दिया ठीक है अब वाली पाइपलाइन आप चला लो। ठीक, और भी क्या कारण है रशिया के ऊपर ट्रस्ट ना करने के यूएसए के, एक तो देखिए यूरोप में ही एक है कंट्री यूक्रेन,
यूक्रेन का एक हिस्सा था क्रीमिया, ठीक, आपका नॉर्थ सी के आसपास है, देखना मैप मैपबुक उठाओ रोज देखो, ठीक। क्रीमिया को आपका रशिया ने 2014 में इसका इलीगल तरीके से अधिग्रहण कर लिया था, एक्विजिशन कर लिया था। तो एक तो ये बात है, यूएसए यूक्रेन को सपोर्ट करता है, नेचुरल सी बात है। दूसरी चीज ये है कि रशिया जो है उसने जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ था 2016 वाला और अभी 2020 वाले में भी रशिया ने काफी इंटरफेरेंस किया था चुनाव में यूएसए के, तो इन सब की वजह से, और पहले तो आपको पता ही है कोल्ड वॉर को मैं कई बार बता चुका हूँ, तो इन सब की वजह से ट्रस्ट है नहीं। तो इसको लगता है यूएसए को कि अगर रशिया के ऊपर यूरोप की डिपेंडेंस हो गई कि भैया गैस और ऊर्जा तो भैया चाहिए ही चाहिए ना, तो ऐसा तो नहीं कि रशिया फिर इस डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज़ करे यूएसए के खिलाफ। तो इसलिए ये आने का नहीं कर रहा था, लेकिन जर्मनी ने अब आश्वासन दे दिया कि भैया हमारा एग्रीमेंट हो गया है, हम इनके ऊपर डिपेंडेंट जरूर हैं लेकिन हम रशिया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे इस डोमिनेंट पोजीशन के होने के बावजूद भी। ये है पूरा पूरा टॉपिक, ठीक, समझ में आ गई बात। अभी मैं आपसे इसको बता दूंगा, ये सारी चीज़ें हैं। अभी गैस लाइन जो रशिया की थी, अब इसको अप्रूवल दे दिया गया है, जो भी सैंक्शन थे अब उसको हटा दिए गए हैं। यूएसए और जर्मनी ने के बीच में डील हो गई है और रशिया को जो है अब जो है कोई मतलब यूज़ नहीं करने देगा डोमिनेंट पोजीशन। क्रीमिया वाला यूएस के इलेक्शन, इसकी वजह से ट्रस्ट था जो डिस्ट्रस्ट हो गया था यूएसए और रशिया के बीच में। और 2015 में रशिया एनर्जी का जो मेजर है, जैसे हमारे यहाँ ONGC है वैसे वहाँ पे गैस प्रॉम करके है, और 5 अदर यूरोपियन फर्म ने ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 बनाने की बात करी थी पाइपलाइन। इसकी ये 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन है, कहाँ से कहाँ तक चलती है अभी मैप में दिखाऊंगा आपकी। उस लूगा रशिया से आपका चलती है जर्मनी के ग्रेसवाल्ड, जर्मनी में बाल्टिक सी के थ्रू होते हुए, ठीक। 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस देगा, बहुत बहुत ज़्यादा है ये, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, हालांकि 98% तक ये कंप्लीट हो चुकी है। सो हेयर इज द मैप इन विच वी विल सी कि रशिया, देखिए ये रशिया है, रशिया के उस लूगा से ये पाइपलाइन चल रही है, ये आपकी नॉर्ड 1 वाली थी जी वाली, और ये नॉर्ड 2 है जो अभी जिसके ऊपर, और ये जर्मनी ग्रेसवाल्ड तक जा रही है, और ये बाल्टिक सी देख रहे हैं आप, ये वाइट वाइट जो एरिया है बाल्टिक सी, इसके थ्रू होते हुए जाती है, ठीक। ये चीज़ हो गई, पाइपलाइन कंट्रोवर्सियल इसीलिए है क्योंकि यूएसए को लगता है कि भैया यूरोपियंस को ये जो है व्लादिमीर पुतिन या फिर रशिया जब इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे यूएसए यूरोप वाले, तो जो है ये व्लादिमीर पुतिन अपने हिसाब से कार्य करेगा यूएसए के खिलाफ, ठीक। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। रशिया जो है आपका, अब एक चीज़ और भी है, रशिया की जो ये वाली पाइपलाइन पूरी हो जाएगी तो एक रशिया की अभी हाल फिलहाल में यूक्रेन के थ्रू होते हुए एक पाइपलाइन जाती है, तो उसकी वजह से क्या है यूक्रेन जो है बहुत ज़्यादा पैसे इनसे लेता है, डॉलर 3 बिलियन डॉलर पर ईयर लेता है। अगर 1 बिलियन आपका मान लो ये है 7500 करोड़ रुपए का, तो 15000 करोड़ और आपका 22500 करोड़ रुपए, तो ये मतलब जो है हर साल देता है रशिया आपसे यूक्रेन को सिर्फ इसके थ्रू पाइपलाइन जारी। इसलिए तो अगर ये वाली पाइपलाइन पूरी हो जाएगी तो यूक्रेन को ये बाईपास कर देंगे, ये भी एक इसका स्ट्रेटजिक एंगल है, ठीक। जो अभी वाली पाइपलाइन जा रही होगी वो यूक्रेन यहाँ पे कहीं पड़ेगा तो उसके थ्रू जाती होगी। तो ये वाला हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से था। इंटरनेशनल रिलेशन के ये टॉपिक बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत मज़ा आता है उनको पढ़ने में, लेकिन इनमें खो मत जाइएगा, जब कोई चीज़ पूरी हो जाएगी तभी इसको पढ़ा करिए, डेली डेली एक एक चीज़ पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है हनी मिशन कार्यक्रम से संबंधित है। अब देखो यहाँ पे कुछ जो, एक तो देखो प्रोग्राम की बात हो रही है यहाँ पर, एक स्कीम है और एक जो है और जो है मतलब स्कीम है अलग अलग मिनिस्ट्री की, तो उनके बीच में भी डिफरेंस हम यहाँ पे समझ लेंगे ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए, जिस चीज़ को पूछा जाए उसी के संदर्भ में हम एग्जाम्पल या फिर सॉरी आंसर दे सकें। तो जो ये हनी मिशन है प्रोग्राम है, हनी मिशन प्रोग्राम, ये इसमें क्या होता है कि भैया जो है जो मधुमक्खी के छत्ते हो गए, बक्से हो गए, जीवित मधुमक्खियों की कॉलोनियाँ, टूल किट और ये सब प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ट्रेनिंग वेनिंग होनी चाहिए नहीं तो चबा लेगी, तो ये वाली चीज़ है। तो इसमें करीबन जो है 15,000 बेनिफिशियरी ऑलरेडी हो चुके हैं जिनको सहायता दी गई है, ठीक। अब ये जो स्कीम है इसके अलावा, अब देखो ये हनी मिशन प्रोग्राम था, ठीक, और यहाँ पे अब जो है इसके अलावा एक स्कीम चल रही है सफूर्ति की, सफूर्ति नाम से, ये स्कीम का फुल फॉर्म है अ स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जो पारंपरिक जो उद्योग थे उनको फिर से जो है कार्यान्वित करना है, इसके लिए जो है सफूर्ति स्कीम लाई गई। ये आपकी जो है MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो है उस मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
अब जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, पारंपरिक जो उद्योग हैं, उसमें पारंपरिक जो बी कीपर्स हैं, जैसे कई सारी आदिवासी हमारी अनुसूचित जनजातियाँ हैं जो बी कीपिंग करते हैं बहुत मतलब पुश्तों से, तो उन लोग की यहाँ मदद की जा रही है ताकि वो लोग जो है स्थायी रूप से उनको रोजगार मिल सके। उनका एक क्लस्टर बना लेते हैं, मान लीजिए एक जगह पे जो है कई ज़्यादा लोग हैं, एक समुदाय है जो करता, तो एक क्लस्टर बना ली। तो इसी तरीके के 29 हनी क्लस्टर बनाए गए हैं, इनको नई नई मशीन ट्रेनिंग और ये सब दिया जाता है। करीबन 13,000 बी कीपर्स को इसमें भी मदद दी गई, ये सफूर्ति स्कीम के अंदर दी गई है। ठीक, अब देखिए ये क्या था, हनी मिशन प्रोग्राम है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपका हनी मिशन प्रोग्राम जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत ही आती है, लेकिन इसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है लॉन्च किया था इसको 2017-18 में। ठीक, और इस वाले को जो जो इम्प्लीमेंट करता है, कार्यान्वित करता है, तो उसमें बी कीपिंग एक्टिविटीज़ जो भी हैं उनको जो है एम्प्लॉयमेंट खुद से मिल सके, आदिवासी जो भी बेरोजगार यूथ है ग्रामीण क्षेत्रों में उन सबको जो है रोजगार मिल सके स्थायी रूप से, ये वाली चीज़ है। बाकी वहीं सारी चीज़ें टूल किट वो सब दिया जाएगा। 8 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इसमें बेनिफिट हुए हैं, प्रपोज किया गया है कि 80 बी कीपर्स के उनको बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है, बुंदेलखंड रीजन में 2021-22 में 80 बी कीपर जो कि 8 सेल्फ हेल्प ग्रुप में स्वयं सेवा जो है समूह है, स्वयं सहायता समूह जो है उसको दिया जाएगा। अब देखो दो चीज़ें हो गई, सफूर्ति स्कीम हो गई और आपकी हो गई हनी मिशन प्रोग्राम हो गया, ये दोनों एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत हैं। ठीक, अब यहाँ पे तीसरा जो है हम पढ़ रहे हैं ये है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत है। अगर किसी को हनी मिशन प्रोग्राम के बारे में ना पता हो तो वो भी एग्रीकल्चर मंत्रालय लगा देगा, इसलिए मैं इस पर एम्फेसिस करके बोल रहा हूँ, और इसीलिए आयोग पूछेगा भी इस तरीके के जिसमें कुछ कन्फ्यूजन हो, जिसमें कुछ अपवाद हो, एक्सेप्शन हो। तो यहाँ पे जो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जो है ये वाला तो मंत्रालय जो कृषि मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है, इसमें व्यापक रूप से पूरा जो है यहाँ पे ग्रोथ की बात की जाती है, पूरे सेक्टर की लाइवलीहुड सपोर्ट, आजीविका और ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। ठीक, बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं, केवीआईसी को पहले भी हम लोग देख चुके हैं, अप्रैल 1957 से जो है ये स्टैच्यूटरी बॉडी यानी कि वैधानिक निकाय है। आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट के अंतर्गत बनाया गया 1956 में, और इसमें यही है जो प्रमोट करता है, ऑर्गेनाइज करता है खादी और विलेज इंडस्ट्रीज जैसे बी कीपिंग और ये सारी हो गई इनको। ठीक, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन है, ठीक, यानी कि निगम है, ध्यान रखना। ठीक, आयोग वैसे इसको बुलाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इनलैंड वेसल बिल से संबंधित, ठीक, अंतर्देशीय पोत विधेयक। अब ये जीएस पेपर 3 में आएगा क्योंकि इसमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना, सिलेबस पर डालो उससे मत बचना, अवसंरचना जो है जीएस पेपर 3 के सिलेबस में आता है इनलैंड वेसल बिल। अब ये बिल क्यों लाया जा रहा है, देखो हमारे यहाँ कई सारे जलमार्ग हैं, ठीक, अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, इनलैंड वाटरवेज हैं, उससे नेविगेशन की बात, जैसे आपने हल्दिया से जो गंगा रिवर पे है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ऐसी कई सारी जो है आपने 6 देखी होंगी। एक हमारा जो है इसमें जलमार्ग विकास योजना भी लाई गई जिसमें 111 नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग जो है घोषित किए गए, आगे जाके उनको बनाया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ समझना, ये अलग अलग राज्यों में से जाते हैं ये जलमार्ग, ठीक, एक ही जलमार्ग जो है कई विभिन्न जो है राज्यों से होके जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, किसी राज्य ने कुछ अलग ए लॉ बना रखा है, किसी ने बी लॉ बना रखा है, किसी ने सी लॉ बना रखा, तो लॉज जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है भिड़ंत हो रही है, और भिड़ंत होने की वजह से जो है काफ़ी दिक्कत है। ठीक, तो इन सब को देखते हुए ये बिल लाया गया है इनलैंड वेसल बिल। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो अंतर्देशीय जलमार्ग है, नेविगेशन है, तो जिसका उद्देश्य क्या है कि भैया सस्ते में ट्रांसपोर्ट हो सके, ध्यान रखना, ठीक, पैसेंजर भी ट्रांस, अब इनलैंड जलमार्ग की बात बता रहा हूँ, क्या किस लिए यूज़ आता है, ये क्वेश्चन पहले पूछा चुका, फिर पूछाएगा, देखना आप, इसमें पैसेंजर भी जा सकते हैं, हमारे जैसे लोग भी जा सकते हैं, इसके थ्रू कार्गो भी जा सकते हैं, मतलब कि सामान वस्तुएं ये सारी चीज़ जा सकती हैं, तो ट्रांसपोर्ट का काम है, और ये पानी के जरिए जाते हैं तो कम पैसा लगता है अगर आप इसको कंपेयर करो रोड से और सारी चीज़ें, और कुछ ऐसी जगहों पर भी चला होके चला जाता है जहाँ पर रोड और ये सारी चीज़ें एरोप्लेन और ये सब रेलवे वेलवे नहीं पहुँच पाता है, तो ट्रांसपोर्ट से ये 3-4 चीज़ें हो गई। दूसरा ये है कि इन्वायरमेंटली काफ़ी जो है इसमें जो उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का वो होता है कम, तो ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी है। हालांकि कहीं कहीं पे क्रिटिज़म होता है इनलैंड वाटरवेज का कि यहाँ पर जो है एक्वेटिक जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है
एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है उसको काफ़ी जो है नुकसान पहुंचता है, बट जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आप ट्रेड ऑफ समझ सकते हैं कि ज़्यादा जो है बेनिफिट है, ठीक है। तो इसलिए चाय चाहिए थी, और इस उद्देश्य को पाने के लिए जो चाय चीज़ें हैं जिसमें आर्थिक और जो है क्लाइमेट चेंज और इन सबसे निपटने के लिए, इसको पूरा करने के लिए अब जो ये दिक्कतें आती हैं जो कि एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कतें हैं, प्रबंधन की दिक्कतें हैं, अलग अलग लॉज होने की वजह से दिक्कतें हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए, एक रूपता लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो है ये वाला बिल लाया गया है। अभी हमारे जो नए शिपिंग और पोर्ट के मिनिस्टर बने हैं सर्बनंद सोनोवाल जी के द्वारा, ठीक। इसका यहीं पे यहाँ पे देखिए बताया गया है कि उद्देश्य यही है कि नेविगेशन लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और कार्गोज का प्रोटेक्शन भी हो सके, पॉल्यूशन भी कम किया जा सके, यूनिफॉर्मिटी लाया जाए, आपका जो है किफ़ायती दर पे जो है ट्रांसपोर्टेशन हो सके इनलैंड वाटरवे नेविगेशन के थ्रू, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ इस बिल के थ्रू ये भी होगी कि भैया पारदर्शिता और जवाबदेही भी लाई जाएगी, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है उसमें क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए गवर्न करने के, कैसे कंस्ट्रक्शन इनलैंड वेसल का, क्या क्या कंस्ट्रक्शन, कैसे सर्वे रजिस्ट्रेशन पंजीकरण नेविगेशन, सारी चीज़ें इस लॉ के अंतर्गत ला दी जाएंगी ताकि जो भी काम हो वो विद इन द लॉ हो और रूल ऑफ लॉ बने, ठीक। किसी को आप पनिश भी करोगे तो कैसे पनिश कर सकते हो, जब तक कोई लॉ होगा उसी के अंतर्गत कर सकते हो पनिश, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, कानून का शासन इसे कहते हैं, ठीक। तो ये किस वाले आर्टिकल में आता है बताइए, 20 में आता है कि 22 में आता है कि लॉ नहीं है तो जो है पनिश नहीं कर सकते, बताइए 20 में आता है कि 22 में आता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि अगर अलग अलग राज्यों के लॉ हैं मान लीजिए स्टेट्स के, तो उसमें एक चीज़ आप देख रहे हो, सबको हटा के केंद्र का एक लॉ लाया जा रहा है, हर चीज़ में वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन ये वन रेशन, तो इससे हो क्या रहा है, संघवाद को यानी कि फेडरलिज्म को बहुत दिक्कत हो रही है, इसमें जो है सिकुड़ता जा रहा है राज्यों के अपने। अब यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो यूनिफाइड लॉ बनाने की बात करी जा रही है, तो ये एक वैल्यू एडिशन है एनालिसिस के तौर पे, मेंस में आप लिख सकते हो कि वन नेशन वन लॉ अगर आपने कर दिया तो सेपरेशन ऑफ मतलब कैसे जो है जो आप सेपरेट करते हो कि लॉ बनाने के अलग अलग अधिकार हैं फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत संघवाद के अंतर्गत, वो तो कैसे इंश्योर करोगे आर्टिकल 246 के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें ये कहा है फिर जितना ही पंजीकरण है वो सब कुछ जो है एक ही जगह से ले लो हर स्टेट में हर यूनियन टेरेटरी में वो, और सेपरेट परमिशन लेने की जरूरत नहीं है स्टेट से, देख रहे हो स्टेट का रोल ही खत्म हो रहा है, वैसेल जो है रजिस्ट्रेशन तो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बना देंगे अपने जाके पंजीकरण कराओ, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। एक और बात है कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है हमारे भारत में वो 14,500 किलोमीटर करीबन है, जिसमें कि नदियां आ जाती हैं आपका कैनाल्स आ जाते हैं बैक वाटर क्रीक्स, ये सारी सारी आ जाती हैं, और बैक वाटर्स जो है आपके केरला में एक होते हैं उनको क्या बोला जाता है बताइए, ठीक। आज मैं काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि कई लोग बोल रहे थे, आपका इनलैंड वाटर वे जो ट्रांसपोर्ट है काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट होता है एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है, 2016 में नेशनल वाटरवे एक्ट लाया गया था उसके अंतर्गत 111 जलमार्ग जो है घोषित किए गए हैं, नेशनल वाटरवे घोषित किए गए हैं। अभी एक इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये इम्प्लीमेंट कर रही है जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट। अब जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट जब कभी आए ना तो ये समझ लेना सिर्फ एक के लिए हो रहा है, नेशनल वाटरवे वन के लिए हो रहा है जो कि हल्दिया से वाराणसी के स्ट्रेच के बीच में है, इसको जो है इसकी कैपेसिटी क्षमता बढ़ाना और सबके लिए हो रहा है। इसमें वर्ल्ड बैंक भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट खाली नेशनल वाटरवे वन से संबंधित है, ध्यान रखना। कौन कार्यान्वित करा रहा है? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्यान्वित करा रहा है। क्या ये इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में चलिए कमेंट करके आप लोग को बताना है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स ऑफ कच्छ। ये एक ऐसी चिड़िया होती है, बड़ी सी चिड़िया होती है, बहुत भारी भरकम होती है, आपका जो है ये ग्रासलैंड्स में पाई जाती है, जो आपके जो घास वाले जो मैदान क्षेत्र होते हैं उसमें पाई जाती हैं, और ज़्यादातर इंडिया में आपका राजस्थान गुजरात और सटे हुए पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं। अब यहाँ पे संदर्भ जो है जिसकी वजह से हम लोग इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अभी क्या बताया गया है राज्यसभा में, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राज्यसभा में ये इन्फॉर्म किया गया है कि कच्छ का जो रीजन है गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जनवरी 1 से देखा जाए तो यहाँ पर अब एक भी नो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कोई भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं बचा है। पिछले साल ये आंकड़ा 20 दिया गया था, तो इससे
और IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचुरल कंजर्वेशन का नेचर कंजर्वेशन जो है IUCN, इसने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को, क्योंकि इनकी जनसंख्या काफ़ी कम हो चुकी है और इनके जो हैबिटेट है, जो इनकी रहने की जगह है, उसमें भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, क्रिटिकली यानी कि विलुप्त होने की पूरी पूरी कगार पे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है और इनका हैबिटेट मैंने आपको जैसे बताया, तो ये एक प्रजाति है, चार प्रजाति बस्टर्ड प्रजाति में से इंडिया की, पहली चीज़ समझ लेते हैं। ठीक, और जो कि इंडिया पाई जाती है, और तीन कौन कौन सी, मैक्यून बस्टर्ड है, लेसर फ्लोरिकन है और बंगाल फ्लोरिकन है, बहुत खूबसूरत हैं, इनको ज़रूर आप लोग एक बार पिक्चर देखिएगा। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये आपके पूरे भारतीय महाद्वीप में पाया जाता है अब, लेकिन ये सिर्फ इनकी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 10% रह गई है, अब तो ज़्यादातर राजस्थान में ही है, कक्ष में तो आपको देखिए बताया ही गया अभी। और ये एक बहुत भारी भरकम जो होती है, इसकी फ्लाइट कभी कभी होती है जब ये अपना जो है हैबिटेट चेंज कर रही होती है, ग्रासलैंड्स में रहती है, ठीक है, घास के मैदानों में रहती है ये, और ये स्थलीय बर्ड है, ज़मीन पे ज़्यादातर रहती है, उड़ती तभी है जब कभी जरूर, क्योंकि बहुत दिक्कत, बहुत हैवी होती है ये, और ये खाती है इंसेक्ट्स को, लिजर्ड्स को, मतलब छिपकली खाती है यार, तो काफ़ी काम की है, घर पे बहुत छिपकलियाँ हो रही हैं, तो ये और जो घास की सीड्स हैं इन सबको खाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है फ्लैगशिप बर्ड स्पेशीज़ है ग्रासलैंड की, और ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, अगर मान लीजिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं वहाँ पर रह रही है, इसका मतलब ग्रासलैंड का जो इकोसिस्टम है वो उसमें कुछ खामी है, कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ग्रासलैंड का जो है इकोसिस्टम का क्या हेल्थ चल रहा है, तो इसका एक इंडिकेशन भी, संकेतक भी होती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। विलुप्त होने के कगार पे है, इसके कई सारे कारण हैं, हंटिंग, पाकिस्तान में तो हंटिंग बहुत होती है, ठीक, UAE के शेखों को बुला के पाकिस्तान भिखारी जो है अपना वहाँ पे हंटिंग करवाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की, राजस्थान से जुड़े हुए जो मरुस्थल हैं वहाँ पर। और जो है भारत में देखा जाए तो क्या हो रहा है कि जो आपने देखा होगा शहर के बाहर निकलते होंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बिजली के खंभे वो रहते हैं ना खंभे, तो वो हाई टेंशन जो वायर्स होती हैं क्योंकि ये उड़ते बहुत कम हैं और भारी भरकम होते हैं, तो जल्दी से जो है जैसे कबूतर उड़ते तो एकदम इधर उधर होके फिर निकल जाता है, लेकिन ये और देख भी नहीं पाते हैं बहुत अच्छे से, तो इन वायर्स में लड़के इन लोग की सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है, एक्सटिंक्शन क्यों हो रहा है वो बता रहा हूँ। और साथ ही साथ इसका जो है आपका कक्ष के रीजन में, राजस्थान के रीजन में क्या है, वहाँ पे एनर्जी के स्रोत कम थे, एनर्जी का कहाँ ज़्यादातर क्या हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को लगाया जा रहा है, यानी कि अक्षीय जो है आपका अक्षय ऊर्जा लगाया जा रहा है, किसमें, आपका विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो इनसे भी टकरा कर, विंड मिल से भी टकरा कर भी गुजरा, ये जो है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की मौत हो रही है। तो ये कई सारे रीजंस हैं आपका, और फरवरी लास्ट ईयर में ये बताया गया था जब इंडिया में गांधीनगर में आपका CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज जो है उस पर एक यूनाइटेड नेशन का जो है ये कन्वेंशन हुआ था, तब ये बताया गया था कि भारत में 150 हैं करीबन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, 128 राजस्थान में, 10 इसमें सॉरी कक्ष डिस्ट्रिक्ट में थे, जो कि अब एक भी नहीं बचे हैं, बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटका, और अच्छा महाराष्ट्र में कहाँ पे होता है बताइए, विदर्भा रीजन में होता है इतना बता देता हूँ, कहाँ पे पाया जाता है ये बताइएगा आप लोग, पिछले साल UPSC ने यही क्वेश्चन पूछा भी था, मतलब मैं इसीलिए आप लोग से ये पूछता रहता हूँ, और आप लोग जो लोग मेहनत कर रहे हो, मैं क्वेश्चन का आंसर देते रहते हो, उनका देखना रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। ठीक, पाकिस्तान में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो शेखों को जो है हंटिंग वंटिंग करवाते हैं इसकी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है इसने इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया, विलुप्त होने की कगार पे है, थ्रेट वही है जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया है कि जो है आपका ट्रांसमिशन लाइन इनसे टकरा के जो है इनकी डेथ हो जाती है, हर साल 18 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है डेथ हो जाती है, ये वाली चीज़ है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और जो कई सारे जो है रिन्यूएबल एनर्जी का देखो ये आप क्रिटिज्म भी लिख सकते हो कहीं पे, थार और ये कक्ष डेजर्ट्स में जो है ये काफ़ी विंड मिल और कंस्ट्रक्शन और पावर लाइंस हुआ है, तो उसकी वजह से भी जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स मर गए हैं। कंजर्वेशन मेजर्स अगर देखा जाए 2015 में केंद्र सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पेशीज रिकवरी प्रोग्राम चालू किया था, जिसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर इनके संरक्षण के लिए कार्य चालू किया था, ब्रीडिंग सेंटर बनाए थे, एग्स को जो है आपका ऊष्मायन करना था, यानी कि कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियली हार्वेस्ट सर्विस करना था, हैचलिंग्स करनी थी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तो एक तरीके से ये कौन सा जो है कंजर्वेशन होगा, एक्सीतु कंजर्वेशन होगा। ठीक, एक्सीतु, ठीक, एक्सीतु इनसीतु में क्या डिफरेंस होता है जो बताइएगा। अगला जो हमारा आज का टॉपिक है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
और जो है ये आपका आएगा जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी वाले सेक्शन में, ठीक। ऊपर वाला जो था वो जीएस पेपर 3 के ही इन्वायरमेंट वाले सेक्शन का आएगा, कंजर्वेशन वाले में। आरबीआई ने कहा है कि हम अपनी डिजिटल करेंसी जो है लाएंगे, डिजिटल करेंसी कैसे क्रिप्टो करेंसी से अलग होगी, क्या होती है फिएट करेंसी, ये सब चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए और ये सब एनसीईआरटी इकोनॉमी में दे रखा है। आप लोग इसको रिवाइज़ करते रहो, जो मैं रिवीजन के लिए बताता हूँ आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भी कमेंट में पिंड कमेंट जरूर देखना, तो उन सबको करते चलो, बिल्कुल आसान हो जाएगी डगर अगर अगर आप इसको फॉलो करोगे तो, ठीक। रिजर्व बैंक ने कहा है कि हम कुछ मतलब आंकलन कर रहे हैं कि देखते हैं भैया डिजिटल करेंसी जो सेंट्रल बैंक के द्वारा यानी कि आरबीआई बैंक के द्वारा लाई जाए तो उसके जो खुदरा या फिर जो है थोक पेमेंट किए जाते हैं, किए जाने चाहिए, तो कैसे हो, किस हिसाब से हो सकते हैं, तो उसको मतलब हम आंकलन कर रहे हैं। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, अगर सही लगेगा तो एक फुल स्केल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाएंगे, सीबीडीसी। डिजिटल करेंसी तो है लेकिन सेंट्रल बैंक के द्वारा है, वहीं क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो क्या होती है, वो किसी बैंक के द्वारा नहीं होती, वो डिसेंट्रलाइज होती है, विकेंद्रीकृत होती है। यहाँ पे केंद्रीकृत है, सेंट्रल बैंक के द्वारा है, वहाँ पे कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, ठीक है। ये सारे जो है इसमें यहाँ पे डिफरेंस है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या है, ये देखा गया है कि भैया करेंसी मैनेजमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है। डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो कॉस्ट मतलब एक तो जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो बचेगी, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत, देख रहे हो कई लोग वैन तोड़ के चोरी कर लेते हैं पैसा, और जो पेपर करेंसी को स्टोर करना, बचा के रखना, पेपर बहुत महंगा और कॉस्ट होती है, इन सबको मैनेज करना, ये सब कॉस्ट तो बचेगी। साथ ही साथ जो करेंसी टू GDP रेशियो है भारत में वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक, डिमोनेटाइजेशन के पहले भी ज़्यादा था, अभी भी ज़्यादा है। तो ये अगर डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो क्या होगा कि आपका ये जो कैश रखने की एक जो एक परंपरा है ये ख़त्म होगी। और ऐसा नहीं कि डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो ये पता ही नहीं कि इसके पास कितनी आ जाए, कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि भैया ऐसे तो यार पता चला कोई जो करप्ट टाइप के लोग हैं वो अपने यहाँ जो है डाल लें, लिखते चले जाएँ 1, फिर उसके बाद 0 ही तो बढ़ाना उनको, तो वैसा कुछ नहीं है। डिजिटल करेंसी क्या भी अकाउंटेंसी रहेगी, ऐसा ये भी नहीं है कि कितना भी आप बना लो, बस जो पेपर के फॉर्मेट में आप देख रहे हो उसकी जगह डिजिटल फॉर्मेट में आ जाएगी, बस यही बात है। देखना UPI, भीम UPI इन सब पे ही आ जाएगा ये, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बचत हो सकती है डिजिटल करेंसी आने पर। साथ ही साथ अभी जब आप कोई पेमेंट करते हो तो क्या होता है, पहले आपका मान लीजिए पेमेंट आपने किया तो आपका या तो HDFC बैंक किसी बैंक में होगा ना, उसके आप RBI से तो कहते नहीं भैया पेमेंट कर दो मेरा जो है मैंने मोमोज खाए अभी, तो ये वाली चीज़ है। तो लेकिन आप डिजिटल करेंसी जो सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया गई होगी तो आप डायरेक्ट इंटर बैंक सेटलमेंट का कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधे आप जो है पेमेंट उसको कर सकोगे, ठीक। तो एक तरीके से सेंट्रल RBI बैंक का ये आपकी डिजिटल करेंसी है। जैसे आप कैश देते हो तो कैश के जब आप किसी को देते हो तो बैंक आता है कोई बीच में दौड़ के आ गया आपके पास SBI वाला, कह रहे रुक 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 पहले हमारे यहाँ जमा कराओ फिर हम ट्रांसफर, ऐसा तो होता नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे हो जाएगी, एक तरीके का कैश है बस डिजिटल फॉर्मेट में आ गया है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न मेरे ख्याल से अब आपके अंदर नहीं रहा होगा, ठीक। और जो डिफरेंस आपको पता करने क्रिप्टो करेंसी से वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ जो भी प्राइवेट वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी है इसकी तरफ लोग बहुत भाग रहे हैं, जिसके पीछे पता ही नहीं है यार कि हो सकता है एकदम से गायब ही हो जाए मार्केट से तो क्या कर लोगे। तो उन सबको देखते हुए जो है सेंट्रल बैंक के द्वारा ये लीगल टेंडर की तरह होगा जैसे कैश होता है, तो एक भरोसा होगा इन सब के लिए इसको लाया जा रहा है, ठीक। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो होता है ये वर्चुअल करेंसी है, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको आप प्राइवेट वर्चुअल करेंसी जो जैसे बिटकॉइन ये सब उनसे कंपेयर नहीं कर सकते जो कि बहुत ज़्यादा अभी आ गई है। यहाँ पर जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसी जो होती हैं, ठीक, जो निजी आभासी मुद्राएं, आभास हो रहा है खाली कुछ है नहीं उसमें, तो वो सब्सटेंशियल मतलब हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मनी जो है उसको जो है नहीं मतलब उसके बहुत ही अलग तरीके से काम कर रही है जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। क्यों, कोई सेंट्रल बैंक इसको नहीं रेगुलेट करता है, ठीक, ये विकेंद्रीकृत है यानी कि डिसेंट्रलाइज है, लोग बैठते हैं कई सारे कंप्यूटर पे उसके जो बैठ के कई लोग एक एक ब्लॉकचेन बना हुआ है, ब्लॉकचेन में जोड़ता जा रहा है, लोग इसको जो है वेरीफाई करते हैं फिर इसको अगर सही लगता है ब्लॉकचेन में जोड़ देते हैं, कोई भी आके देख सकता है, कोई भी जाके वो कर सकता है। और इसमें ये भी है कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी को ओन करते हैं वो कितना ओन कर रहे हैं और किसके पास है ये पता नहीं होता, लेकिन डिजिटल करेंसी में जो सेंट्रल बैंक के द्वारा होगी वो हमें पता होगा कि फला फला के पास में ये डिजिटल करेंसी इतनी है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, क्रिप्टो करेंसी में ये छुपाया जाता है कि भैया ये जो है किसने पेमेंट किया, एनोनिमिटी होती है, तभी के लिए इसमें टेरर से क्रिप्टो करेंसी की वजह से कई लोग टेररिज्म का जो है टेरर मतलब बंदूक गोला बारूद ये सब खरीदने लग रहे हैं,
क्योंकि पता नहीं चल रहा है कौन है। तो ये जो है इन ये सब चीज़ें जो है क्रिप्टो करेंसी में होती है, जो कि डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक के द्वारा जो दिया जाएगा उसमें नहीं हो पाएंगी। अब इश्यूज़ यहाँ पे देखिए यही है, कई सारे इशू यहाँ पे आ रहे हैं कि आरबीआई जब एग्जामिन कर रहा है कि क्या स्कोप हो सकता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाए, तो जो टेक्नोलॉजी है उससे इश्यूज़ हैं, मैकेनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर, ठीक, जैसे कि यहाँ पे इतना डिसेंट्रलाइज नहीं है, यहाँ पे तो सेंट्रल बैंक ही देगा, और इसमें कई सारे हमें चेंजे इशू ये भी है कि भैया जो हमारे यहाँ लॉ चल रहे हैं उनमें आपको संशोधन भी तो करना पड़ेगा, कॉइनेज एक्ट है, फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ठीक, इसके अलावा जो है लीगल चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, आरबीआई में भी करने पड़ेंगे क्योंकि आप करेंसी फिजिकल फॉर्म की जगह जो डिजिटली कर रहे हो तो वहाँ पे भी करने पड़ेंगे, तो लीगल कई सारे चेंजेस करने हैं, वहाँ पे भी आपको पता है संसद और में क्या होता है, ठीक, कैसे बंडर बांट क्या चीज़ मतलब किस तरीके से लोग जो है कार्य करते हैं, तो उसमें भी डिले हो सकता है। अच्छा डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी है क्रिप्टो करेंसी से किस तरीके से डिफरेंट है इसको एक बार फिर समझ लेते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स ऑमियंस में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन सा जो है क्रिप्टो करेंसी के फीचर हैं या फिर कौन सा जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फीचर है। ये मैंने पहले भी कराया हुआ है, तब डिजिटल करेंसी के बारे में बताया था वर्सेस क्रिप्टो करेंसी, आज फिर से बता रहा हूँ, लगातार जो फॉलो कर रहा होगा उसको जरूर ये वाला पता होगा। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन होती है, डिजिटल करेंसी डिजिटल टोकन होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे होते हैं, जैसे ब्लॉकचेन हो गई, ठीक, कई सारे जैसे आपने चालू किया, मान लीजिए आपने बिटकॉइन निकाला माइनिंग करके, एल्गोरिथम में तब लिख के आपने माइन किया, और फिर उसके माइन मतलब कि जैसे खुदाई होती वैसे, और फिर उसको जो है आपने मान लीजिए उसके थ्रू कोई पेमेंट किया, तो कई सारे कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं लोग, उन्होंने वेरीफाई कर दिया हाँ ट्रांजेक्शन ठीक है, क्या मतलब जितने में बेचा जाता उतने का क्रिप्टो करेंसी आपने दे दिया, पैसा दे दिया, फिर उसको जब वो हो गया तो एक जो रेल बनी हुई है, ब्लॉक की चेन बनी हुई है, उसमें डाल दिया। अब ये कोई यहाँ पे कोई सेंट्रल बैंक नहीं बैठे हुए हैं, कोई भी जो कई सारे लोग हैं नोट्स बने हुए हैं वो लोग वेरीफाई करते हैं, और ये जो ब्लॉकचेन है कभी भी आप जाके इसको जो है ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं, ठीक, बस ये होगा कि किसने पेमेंट किया ये नहीं पता चलेगा, तो इसमें एनोनिमिटी भी है जो कि अच्छी बात भी है, सेफ्टी भी रहती है, सिक्योरिटी भी रहती है, कोई भी आके देख सकता है कि हाँ ट्रांजेक्शन हुआ है, तो मतलब इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी है, तो कई सारे जो है इसमें फ़ायदे तो है, लेकिन इसमें जो फायदे होते हैं कई कई वो भी नुकसान हो जाते हैं, भाई कोई पता ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी एकदम से बिटकॉइन गायब भी हो जाए, कई लोगों का करोड़ों लाखों रुपया लगा हुआ है, और इसमें नुकसान ये भी है कि कई टेररिज्म वाले लोग जो हैं इसके थ्रू जो है पेमेंट कर रहे हैं उनको पता ही चल रहा है कौन पेमेंट कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है कि जो है कौन कर रहा है, तो ये वाली चीज़ है। तो इन सबको निपटने के लिए जो है अब ये है कि अगर सेंट्रल बैंक हमारा कोई डिजिटल करेंसी निकाल दे और उसके थ्रू हम कैश भी कम कर सकते हैं, प्रिंटिंग और जो कॉस्ट मनी की होती है वो सब भी कम कर सकते हैं, तो अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है यानी कि विकेंद्रीकृत है, लेकिन आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है ये केंद्रीकृत है, मतलब कि सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रल बैंक जो है लीगल टेंडर प्रोवाइड करेगा आपका सीबीडीसी को, ब्लॉकचेन जो है क्रिप्टो करेंसी में होता है उसमें कोई भी लीगल टेंडर वो होता नहीं, कोई भी लीगल बैकिंग नहीं होती, कानूनी तौर पर जो है इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते कि मान लीजिए किसी ने जो है बिटकॉइन होल्ड कर रखा था, वो बिटकॉइन के चले गए, लोग गायब हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट का जा रहे हैं अरे हमारा चोरी हो गया, हमारा लूट लिया किसी ने, ऐसा जाके आप नहीं रो सकते, ठीक, तो क्योंकि आप वो लीगल टेंडर है ही नहीं, ठीक। क्रिप्टो करेंसी जो है एनोनिमिटी देता है, गुमनामी देता है, लेकिन सेंट्रल बैंक के द्वारा होगा तो पता होगा किसने कितना डिजिटल करेंसी होल्ड कर रखा है। साथ ही साथ डिजिटल करेंसी जो है वो स्टेबल कॉइन्स की तरह नहीं होंगे, जिसमें क्या होता है स्टेबल कॉइन्स भी जो है क्रिप्टो करेंसी ही है, ठीक। क्रिप्टो करेंसी कई सारी हैं, ध्यान रख लो, नाम याद कर लेना, बिटकॉइन है, एरेथियम है, स्टेबल कॉइन है, डॉज कॉइन है, बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक, जिसमें कि बिटकॉइन सबसे ज़्यादा बहुचर्चित है, इसलिए उसका नाम लिया गया। सीबीडीसी जो है स्टेबल कॉइन की तरह भी नहीं है, जिसमें कि उन्होंने किसी और एसेट से पैक कर रखा है अपनी करेंसी को। मान लीजिए देखिए एक मैंने मान लीजिए विकास तोमर जी ने बनाया गोल्ड कॉइन, ठीक, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है, इसका पैसा कितना होगा, इसकी कीमत कितनी होगी, इन्होंने गोल्ड से इसको जो है लिंक कर दिया, तो मान लीजिए एक यूनिट यहाँ पे गोल्ड की जो है 4700 रुपये की करीब आजकल चल रही है, तो इस एक यूनिट गोल्ड कॉइन की भी 4700 रुपये हो जाएगी। ये चीज़ इसको कहते हैं पेग करना, ये वो वाला पेग नहीं है जो बनाते हैं लोग लड़ाते हैं, ये और ये वाला पेग है कि इसको जो है मान लीजिए यहाँ पे जैसे स्टेबल कॉइन ने पैक कर रखा है किसी एसेट पे जिसको तीथर बोलते हैं, जैसे मैंने गोल्ड कॉइन बनाया तो गोल्ड के रेट पे कर दिया एक यूनिट 4700, तो इसका भी 4700, ये होता है पैगिंग इसको कहते हैं, ठीक। तो ये भी अलाउ नहीं करेंगे, और ये सीबीडीसी जो है वुड नॉट बी पैक टू एनी फिएट करेंसी, एनी फिएट करेंसी मतलब जैसे डॉलर को नहीं हम करेंगे,
ठीक है, हम आरबीआई जो हमारा रुपी चल रहा है उससे पैक कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डॉलर वॉलर से नहीं करेंगे, हम अपना जो है रुपी से करेंगे। ठीक, तो फिएट करेंसी क्या होती है ये मैंने आप लोग को पहले बताया भी है, इसलिए आज जो है इसको रिपीट नहीं करूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग का फेवरेट सेक्शन जिसमें जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एग आईएसपी से, इसमें किस तरीके से प्रीलिम्स के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए और पहली बाधा को पार करना चाहिए इसको देखते हैं। देखिए, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना जो है किससे संबंधित है? अभी रिसेंटली क्या है ये बताइए, कथन सही है कि गलत है? ग्वालियर और ओरछा जो है मध्य प्रदेश में, इनको यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य योजना, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूनेस्को का ही है क्या, ये जो ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य योजना है के तहत चुना गया है, तो क्या इन्हीं को ही चुना गया? ये कई सारे फैक्ट सही बन के आपका ये स्टेटमेंट सही कर पाओगे आप? ठीक, यूनेस्को का ही जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 2011 में, और इसने रिकमेंड किया था कि हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप को भी हम लोग कंजर्व करें, ये सारी चीज़ें करें, तो क्या स्टेटमेंट सही है? तो अब इन्होंने इसके इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है इसके बैकग्राउंड को बताया। हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि जो भी जो है आपका समावेशी और वेल प्लान्ड यानी कि सुनियोजित विकास किया गया है किसी हिस्टोरिकल सिटीज़ में, जैसे भारत में हिस्टोरिकल सिटी है बनारस, ठीक, तो उसका अगर प्रिजर्वेशन किया गया है उसके सांस्कृतिक और विरासत के रूप में, तो उसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप बोलेंगे। तो क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताइए? तो उसी तरीके से अभी क्या ग्वालियर ओरछा को चुना गया है क्या यूनेस्को के द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में? तो बिल्कुल सही है, सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप मैंने आपको बताया, व्यापक रूप से एकीकृत अप्रोच यहाँ पे किया जाता है, पूरा जो हिस्टोरिक कोई अर्बन लैंडस्केप है जैसे बनारस है तो उसका पूरा कंजर्वेशन संरक्षण पहचान असेसमेंट और मूल्यांकन ये सारा कुछ करके उसका एक स्थायी रूप से डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ चलता है ना टूरिज्म पे फोकस करते हुए प्रसाद स्कीम, हृदय स्कीम, वैसे ही अमृत स्कीम एक है, ठीक है ना, वैसे ही जो है यूनेस्को ये ऐसी जगहों को किसके अंतर्गत लेके आता है? ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना यानी कि हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक, समझ में आ गई ना, एक एक चीज़ क्लियर हो रही है। अगला जो हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। ठीक, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए, बताइए कौन सा ट्रू है। देखिए, ये एक सब स्कीम है ऐसा बोला जा रहा है स्टेटमेंट पहले में कि परंपरागत कृषि विकास योजना, इसको अभी हमने पीछे किया भी था, ये 2020-21 से ये एक सब स्कीम बनाई गई है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, एक सब स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत, जो कि प्रमोट करती है ट्रेडिशनल पारंपरिक इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस यानी स्वदेशी प्रैक्टिसेस, ज़्यादातर ऑर्गेनिक खेती के लिए होता है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? क्या इसी की सब स्कीम है? ये इम्फेसिस करती है कि जो केमिकल हैं सिंथेटिक वाले उनका यूज़ ना किया जाए, बायोमास मल्चिंग जो मतलब जैसे फसल काटने के बाद जो पत्ती उत्ती बच जाती है उसी से ढक दो आप खेत को। ठीक, खेत ढकने से क्या होता है कि आप जो है उसकी नमी जो है उड़ती नहीं है, धूप वूप से नमी बनी रहती है और उससे ऑर्गेनिक भी उनको मिल जाता है। ठीक, ह्यूमस बनता है, जैसे आप लोगों ने खेती होती कभी देखी होगी तो, या फिर पढ़ा होगा तब भी ठीक है तो, और या फिर जो काउडंग और यूरिन का फॉर्मुलेशन है, सॉइल का एरेशन, सॉइल को सांस लेने दिया जाए, ऐसा नहीं कि बार बार उसमें खेती करते आ रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को जोड़ के ये वाली जो है स्कीम के अंतर्गत आता है। क्या ये सही है स्टेटमेंट बताइए? और साथ ही साथ तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस वाले के अंतर वित्तीय जो सहायता दी जा रही है वो 25,000 प्रति हेक्टेयर दिए जा रही है। हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, हेक्टेयर में सॉरी 2 एकड़ होता है। ठीक है, एक सेकंड, हेक्टेयर में कितना होता है बताइए ज़रा? एक हेक्टेयर में 2.471 आपका एकड़ होता है। ठीक, टू बी प्रसाइज। तो देखिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है, एक मतलब 12,000 रुपये कुछ करीबन जो है प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे 3 साल के लिए आपके। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही थे, सर्टिफिकेशन रेसिड्यूअल ये सारी एनालिसिस करके बढ़िया किया जाएगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा ये कैसा आ रहा है देखिए, 25 जुलाई का जो हमारा क्वेश्चन है डेली यूपीएससी मेंस जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 70 है। इसमें मैंने पूछा है कि फिएट मुद्रा क्या है, फिएट करेंसी क्या है, और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कैसे जो है अलग है आपकी क्रिप्टो करेंसी से, जो मैंने अभी पूरा आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। प्लीज़ आंसर जरूर लिखिएगा, अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक बटन तोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि जो है हमारा ये मिशन जो है लोगों का सिलेक्शन करने का पूरा हो सके। यूपीएससी और जो है ईपीएफओ का हमारा जो है कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज के पेड ग्रुप चल रहे हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9690068 पे कॉल कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए, कल मुलाकात होगी फिर से जो है सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।